हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनटीए 1 2020 के एडमिट कार्ड की। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि हॉल टिकट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और क्या आप लोगों ने पूछा था क्या एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप सबके डाउट दूर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने एनडीए एग्जाम की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर एक बार देखना। आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब तो जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है और नई नई चीज़ें आपको पता लग सकती हैं। तो ज़रूर आप एक बार इस वीडियो को देखना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपका एनडीए का पेपर 19 अप्रैल को होने वाला था, जो कि पोस्टपोन हो गया, और आपको तो ये पता है कि लॉकडाउन जो था वो अपना 14 अप्रैल तक था, और मेरे ख्याल से ये जो लॉकडाउन है वो और आगे रह सकता है, कि मतलब जिस तरीके से सिचुएशन अपनी चल रही है, और जैसे टेस्ट और हम लोग बढ़ाएंगे तो जो जो केसेस है थोड़े और बढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से जिसके कारण जो लॉकडाउन है वो और बढ़ सकता है। ठीक है, ये मतलब पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। जो और आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, कि जो एडमिट कार्ड कभी भी आज तक एनडीए का डिक्लेयर हुआ है, जैसा कि मैं अपना पिछले बार का देखूँ, पिछले बार जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था वो होता 17 नवंबर को, और एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिया गया था 25 अक्टूबर को। यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड लगभग 20 दिन पहले ही आपका जो डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब ये तो एकदम क्लियर वाली बात है। तो अगर मतलब 20 दिन का भी गैप नहीं, अगर मतलब हम लोग 10 दिन भी एवरेज मान के चलें कि 10 दिन पहले भी आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जैसे कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स में होता है नॉर्मल, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया था अपने जो एनडीए 1 2020 का जो एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड, जो एग्ज़ाम डेट कब रह सकती है, तो एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बताया था कि मिड मई और लास्ट वीक ऑफ मई तक जा सकती है। ठीक है, मतलब आपको तो ये कंफर्म है कि पहला जो आपके पहले जो जेई मेन्स जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपसे पहले होने वाले हैं, ये तो कन्फर्म सी बात है। और जेई मेन्स के एग्ज़ाम कम से कम 7 से 8 दिन चलते हैं, और ये भी आपको पता होगा अच्छी तरीके से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम उसके बाद में होगा, यानी कि मई के लास्ट वीक तक जा सकता है, जो ला एंड का लास्ट वीक आता है उसमें जा सकता है। तो उस हिसाब से जो आपका एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले अगर भी हम लोग माने तो 20 से 15 मई के बीच में आएगा, मतलब इतना ही जाएगा इसका एडमिट कार्ड का। तो आप ये मान सकते हो कि इतना मतलब तो गैप तो रहेगा आपका एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम के पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड का डाउट नहीं आएगा, और बहुत सारे बच्चे ये सब पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होना कब स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम के 10 या फिर 15 दिन पहले ही आ जाएगा। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि इसका फॉर्म कब अप्लाई होगा, तो उनको मैं बता दूँ इसका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। ये NTE 1 2020 मतलब इसके फॉर्म बहुत पहले ही आ चुके थे, तो इसका तो पेपर ही मतलब अभी अप्रैल में था। तो उन सबको बता दूँ कि मतलब और बस अपने आप की आप तैयारी अच्छी तरीके से रखो, चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो। मैथ्स और गैट 900 मार्क्स आपके दिमाग में टारगेट अपना फिक्स होना चाहिए कि मेरे को इतने मार्क्स स्कोर करने। अगर ये फोकस बनाकर आप चलोगे तो आप ज़रूर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। और मतलब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि इस बुक से पढ़ूँ तो क्या होगा, तो दूसरे बुक से। देखो दोस्तों, आप किसी भी बुक से पढ़ो, बस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो मेहनत आपके अंदर दिखनी चाहिए। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ना, हमेशा खुद के लिए पढ़ना, क्योंकि जब सक्सेसफुल होगे ना सबसे ज़्यादा खुशी आपको ही होगी, और आपके पेरेंट्स हो मतलब जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा खुशी उनको भी होगी। लेकिन कभी भी टारगेट जो अपना है ना, वो 900 मार्क्स का है पेपर है, तो मेरे को कितना 450 स्कोर करना है, 500 स्कोर करना है, एक बेंच मार्क बना लेना और उतना ही स्कोर करना। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मतलब एग्ज़ाम कभी टफ होते हैं कभी ईजी होते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम टफ हो गया हो, मान लो मतलब एक मान के चलो अगर आपका एग्ज़ाम टफ हो तो, और आपकी तैयारी नंबर वन अच्छी बहुत हो, तो ये मत सोचना कि मेरे क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, ये कभी थिंकिंग अपने दिमाग में मत लाना। बस अपना आप पेपर करते रहना, क्योंकि टफ हुआ है वो केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।